अगर आप रात में सोए हो अपनी अर्निंग देख के वाइटी स्टूडियो को खोल के, तो आपकी अर्निंग जो मैन एक्चुअल जो होगी, सपोज़ आपकी अर्निंग है $150 वाइटी स्टूडियो के अंदर, आप सुबह मॉर्निंग में जब उठते हो तो वहाँ पर कुछ अर्निंग जो है वो आपको कट हुई भी दिखाई देगी। सपोज़ आपके $150 हैं, तो $150 में से आपके $50 जो है वो काट लिए जाते हैं, तो बचे कितने, $100। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, आपके पास नहीं होगा ना इसका जवाब। तो इसका जवाब जो है वो सिंपल सा है, किसी के पास नहीं है। आजकल यूट्यूब जो क्या कर रहा है, वो हर मंथली का इसका ये हिसाब है यूट्यूब का, कि पैसे जो है वो काटने में लगा हुआ है हर यूट्यूब क्रिएटर के, छोटा हो या फिर बड़ा हो। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी यूट्यूब क्रिएटर आवाज़ नहीं उठा रहा। तो यूट्यूब चैनल हम इतनी आसानी से बना लेते हैं, मगर उसके ऊपर जो हमारा मेन एक्चुअल जो हम काम करते हैं, वो हमारी मेहनत हुई ना, वो हम मेहनत का ही तो काम कर रहे हैं ना। और इतनी मेहनत हमारे को करनी पड़ती है, 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे का वॉच टाइम आवर्स, ये सब हमें क्रॉस करना, बहुत सौ को तो सालों भी लग जाते हैं ये सब करने में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना भी टाइम जो है वो गुजर जाता है। तो हमारी कितनी मेहनत हुई उसके ऊपर, डेली की वीडियोस वगैरह अपलोड करनी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है वो मेहनत करनी, फिर इसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। हमारा चैनल मोनेटाइज सक्सेसफुली होने के बाद फिर हमारे जो डॉलर जो आते हैं, अर्निंग आती है, तो $100 स्टार्टिंग के जो करने होते हैं ना, वो बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो इसके अंदर भी हमारे को 6 महीने, 8 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि $100 स्टार्टिंग के इकट्ठे होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इतना टाइम लगता है, हमारे को एक तरह का खुशी भी होती है कि यार हम इतने डॉलर हमने कमा लिए, इतने डॉलर। क्योंकि जब नया नया क्रिएटर होता है, स्टार्टिंग में जो उसका चैनल जो मोनेटाइज होता है ना, और उसके बाद जो उसको अर्निंग होती है, डॉलर जो आते हैं, तो वो एक एक पॉइंट पर नज़र रखता है कि आज मेरी कितनी अर्निंग हुई, कि आज मेरी जो है वो कितनी अर्निंग हुई। और वो एकदम अचानक से काट ली जाए तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। अगर मैं आपको बता दूं, अगर सब ही बंदे जो भी YouTube क्रिएटर हैं, जो YouTube से अर्निंग कर रहे हैं, YouTube से पैसा जो भी कमा रहे हैं, अगर उनको ये सब आवाज़, अगर उनको उनके थ्रू जो है वो आवाज़ उठाई जाए, तो फिर शायद YouTube जो है थोड़ा सा इस मामले के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाए। वैसे तो YouTube हर मामले के अंदर स्ट्रांगली हो चुका है, हर सारे रूल्स इसने बहुत सख्त बना रखे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, कि आप वो नहीं कर सकते, आप इस तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते, अगर आप क्लेम की वीडियो डालोगे तो आपके मोनेटाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, और अगर मोनेटाइज के बाद डालोगे तो फिर आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी, या फिर स्ट्राइक दे दी जाएगी, या फिर कुछ कुछ अनाप शनाप बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब ने जो है वो अपनी पॉलिसी के अंदर स्ट्रांगली कर दी हैं। यहाँ तक कि ये कॉपा पॉलिसी जो है, इसका भी रूल्स हमारे पास जो है वो सौंप दिया, कि आप इसका डिसीजन खुद लोगे कि ये बच्चे की है या वीडियो नहीं है। तो जब इतना सब कुछ यूट्यूब कर रहा है, तो अर्निंग के मामले के अंदर भी यूट्यूब को स्ट्रांगली होना चाहिए ना। मेरी राय तो भाई यही है कि जब यूट्यूब इतना स्ट्रांगली है, तो हर चीज़ के मामले में, अर्निंग के भी मामले के अंदर यूट्यूब स्ट्रांगली होना चाहिए। तो जैसा कि गाइज मैंने अभी ये सब पता किया है कि ये अर्निंग क्यों कट हो रही है, तो अर्निंग कट का मैंने पूरा रीज़न जानने की कोशिश करी। रीज़न जानने के अंदर तो मुझे बाद में जो है वो ये सब पता चला कि अर्निंग कट यूँ हो रही है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कुछ ज़्यादा चल रही है। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का जो आपके जो डॉलर जो अर्निंग होती है वो काट लिए जाते हैं, इनवैलिड क्लिक के अर्निंग डॉलर आपको नहीं मिलते। तो यूट्यूब चलो ये सब कर रहा है, ठीक है, मगर मेरा मानना यह है, अगर YouTube ऐसा करता है, अगर आपके YT स्टूडियो के अंदर आपके वहाँ पे डॉलर शो हो रहे हैं, जैसा कि आपके वहाँ पर डॉलर शो होते हैं, जब आपके वहाँ पर डॉलर शो हो रहा है तो वो आपके ही हुए ना, ये तो नहीं है किसी पड़ोसी के होगा या फिर YouTube के होगा या जब चाहे मर्जी वो है जो काट लेगा। तो इस मामले के अंदर YouTube को थोड़ा सा स्ट्रांगली होना चाहिए। अगर इनवैलिड क्लिक ट्रैफिक सोर्स ये सब आ रहा है, तो YouTube को तो YT स्टूडियो में भेजना ही नहीं चाहिए पैसे वहाँ पर। अगर YouTube ये सब भेजता है तो भाई ये फिर काटता क्यों है, अगर भेज रहा है तो फिर बंदे के ही हुए ना, ये तो नहीं है कि बाद में उसको कट कर दिए जाएंगे। तो ये सब बिल्कुल जो है ये सब गलत हो रहा है YouTube की तरफ से। इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम सबको जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या फिर ना हो। तो अब हम इतने बड़े तो हैं नहीं, इतने बड़े YouTube क्रिएटर तो हम हैं नहीं, अमित बड़ाना या फिर बीबी की वाइंस या फिर टेक्निकल गुरुजी, ये सब जो हैं बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं, हम सब ये तो है नहीं जो हम आवाज़ उठाएंगे और हमारी रख ली जाएगी, हमारी बात जो है वो मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा तो छोटा चैनल है यार, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले के अंदर। अगर हाँ, ये हो सकता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा बंदे, काफ़ी सारे बंदे एक साथ मिलकर ये सब आवाज़ उठाते हैं, तो फिर थोड़ा सा कुछ देखने को मिल सकता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये अमेरिका के अंदर या और कंट्रियों के अंदर अगर ये सब यूट्यूब करे,
ऐसा होता नहीं है वैसे उन कंट्रियों के अंदर। अगर ऐसा यूट्यूब वहाँ पर जो है वो करता है तो वहाँ पर यूट्यूब पर पेनल्टी लगा दी जाती है कि इतने डॉलर की पेनल्टी आपको भुगतान देना पड़ेगा, इतने डॉलर का ये देना पड़ेगा। क्यों इस तरह का ये जो है ये फ्रॉड वाला मामला हो गया एक तरह का अगर देखा जाए तो। नहीं चलती तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलती, हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि किसी की भी अर्निंग काट ली जाती है, कुछ कोई आवाज़ उठाने का कोई है ही नहीं, कोई रूल्स, गवर्नमेंट ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेती ना कोई एक्शन लेता। तो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, हम सबको इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने चैनल के ऊपर एक इस तरह की वीडियो बनाइए और ये हैशटैग डालिए YT अर्निंग कट, #YT अर्निंग कट ये डालिए, वीडियो को वायरल करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो को वायरल करो, मैं कह रहा हूँ कि अब मतलब इस जो हैशटैग है इस हैशटैग को इतना वायरल कर दो कि ये यूट्यूब तक पहुंच जाए और हमारे इंडिया के अंदर ऐसा ना हो। अगर इनवैलिड क्लिक ट्रैफिक सोर्स आ रहा है तो ये सब ना आए, या तो फिर या तो हमारे अकाउंट में अर्निंग ही ना भेजो। YT स्टोर के अंदर जो हमारा जो दिखा रहा है YT स्टूडियो में वो अर्निंग एक्चुअल दिखा रहा है, वो जितनी भी आ रही है वो जैसी भी है वो तो हमारी हुई ना यार। अच्छा सपोज़ करो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, 6 महीने का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर 1 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेने के बाद आप जो है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं सक्सेसफुली। अब आपको पेमेंट जो है वहाँ से तब मिलेगा जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देंगे, ठीक है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने कर दिया सपोज़ पूरा, वो पेमेंट आपके हाथ में दे दी जाती है और उसके बाद आपके हाथ से जो है वो पेमेंट ले ली जाती है, तो उस टाइम आपके दिल पर क्या गुजरेगी बताइए आप खुद ही मेरे को। तो दोस्तों यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस टाइम गलत हो रहा है। इनवैलिड क्लिक अगर एक्टिविटी है तो पैसे YT स्टूडियो में हमारे भेजो ही मत, अगर ऐसा इनवैलिड क्लिक ट्रैफिक सोर्स जो आ रहा है। तो यही रिक्वेस्ट होगी आपसे, आप ज़रूर से ज़रूर अपने चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं और हैशटैग यूज़ करिए, ये वाला हैशटैग आप यूज़ करिए, हैशटैग लगा के YT अर्निंग कट, इस तरह से आपको जो है वो हैशटैग लगा के अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी चाहिए। आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर नहीं है। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर आगे जाके आपको ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलो दोस्तों बाकी मुझे जो है वो कमेंट करके बताना कि किस किस की अर्निंग कट हुई है, किसकी अर्निंग कट नहीं हुई, ताकि मुझे भी तो पता लगे ना कि किस किस की अर्निंग कट हो रही है। बाकी वैसे इंस्टाग्राम पे तो मेरे पास काफ़ी मैसेज आ ही रहे हैं कि मेरी इतनी अर्निंग कट हो गई, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो मुझे बनानी ही चाहिए इसके ऊपर। तो चलो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।